खबर हनुमानगढ़ की रावतसर से है, जहां रावतसर पंचायत समिति के सभी सरपंचों की बैठक पंचायत समिति सभागार में सरपंच यूनियन अध्यक्ष सुनीता जोशी के प्रतिनिधि देवकी नंदन जोशी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सरपंचों ने ग्राम विकास अधिकारियों की स्थानांतरण नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने स्थानांतरण नीति की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए बताया कि ग्राम पंचायत के सरपंचों से सामंजस्य स्थापित कर स्थानांतरण नहीं किए गए हैं, जिससे ग्राम विकास के कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। सरपंचों ने विचार विमर्श कर निर्णय किया कि पंचायत स्तर पर होने वाले स्थानांतरण में संबंधित सरपंच से सामंजस्य स्थापित कर ही स्थानांतरण किया जाए। पंचायत समिति के अधिकारियों द्वारा आनन फानन में किए गए स्थानांतरण को रद्द किया जाए तथा भविष्य में सरपंचों की सलाह मशवरा से स्थानांतरण किया जाए, ताकि गांव के विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं हो। सरपंच यूनियन का कहना है कि अगर किए गए स्थानांतरण निरस्त नहीं किए गए तो हमें आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा। इस मौके पर रावतसर पंचायत समिति के सभी सरपंच उपस्थित रहे। आज हमारी पंचायत समिति रावतसर के सभी सरपंच गणों ने एक यूनियन के बैनर के तले मीटिंग करके ये तय किया है कि पंचायत समिति में पंचायत राज की कार्मिकों का जो इधर उधर ट्रांसफर किया गया है, तो किसी भी सरपंच से सहमति नहीं ली गई है। बिना किसी सहमति के, चाहे वो BDO साहब ने किए हैं, CO साहब ने किए हैं या किसी और ने किए हैं, तो किसी सरपंच से राय नहीं ली गई, इसका विरोध किया है। और कुछ एक ऐसे ट्रांसफर कर दिए जो करने के लायक नहीं है, जो यहाँ से बाहर जाने चाहिए थे उनको यहाँ लगा दिया गया। बाहर यही मांग इन्होंने रखी है। मैं पंचायत राज का प्रतिनिधि हूँ और पंचायत राज बीकानेर डिवीजन का प्रभारी हूँ। ये मेरा सरकार से अनुग्रह है और CEO साहब से, प्रमुख साहब से और तमाम हमारे विधायक जो कांग्रेस पार्टी के आज यहाँ हैं, उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि आप पंचायत राज की प्रमुख कड़ी जो विकास की है वो सरपंच होता है, और सरपंच ही आपके सभी विकास कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है, तो उसकी आवाज़ को पुरजोर से सुना जाए और उनकी पूरी पैरवी करें। आप किसी प्रकार से कमजोर करेंगे तो आपको इसकी नुकसान उठानी पड़ेगी। इसलिए सभी सरपंचों ने मांग को रहते उसको बुला के समझौता निश्चित करिए और तुरंत जो ये चाहते हैं सरपंच उनकी बात सुने। इसी समय अब जो इकट्ठे हुए हैं, यही इनकी मांग है और हम कल फिर मिलेंगे, आगे CEO साहब से मिलेंगे और जो हमारे प्रतिनिधि है MLA साहब उनसे भी मिलेंगे, और अगर मांग नहीं मानी जाती है तो फिर हम एक आंदोलन के रूप में आएंगे, तो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। इसलिए आप जरूर सभी सरपंचों को सहमत करें।